हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं आपके क्लास के ऊपर, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे प्रीवियस एक महीने से। जो है आपके क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पर नहीं अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इशू थे और साथ ही साथ जो मेरा कैमरा था, मोबाइल था, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो है मैं पूरी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। और जितने भी नोट्स हुए या जो भी आपके क्लासेस से रिलेटेड शेड्यूल हुए, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए जो है मैं आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से, और आज जो है मैंने एक नया फ़ोन लिया है, और इसके बाद जो है मैं आशा करता हूँ और आपका सपोर्ट रहा तो मैं रेगुलर क्लासेस जो है आप सभी लोगों का लूँगा। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जितने भी प्रॉब्लम होंगे DLED से रिलेटेड, CTET से रिलेटेड, वह सारे डाउट को जो है क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ऐसे में आपको बता दूं कि मैंने कौन सा फ़ोन लिया, तो मैंने जो है गैलेक्सी A23 या एक न्यू मॉडल जो है लॉन्च हुआ है, जो कि इसी साल में हुआ है, मार्च के लास्ट वीक में लॉन्च हुआ है, गैलेक्सी A23 यह फ़ोन मैंने अभी लिया है और जस्ट मैं अभी लेकर ही आ रहा हूँ मार्केट से। आप मेरे फेस से देख सकते हैं ये काफ़ी गर्मी है, और क्योंकि अभी यहाँ पर जो है लाइट तो है लेकिन मैं फ़ैन नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि अगर फ़ैन चलाता हूँ तो आपकी आवाज़ें जो है प्रॉब्लम जाएगी मेरी आवाज़ आपके वीडियो में, तो इसलिए जो है फ़ैन ऑफ करके जो है वीडियो बनाना पड़ता है। और जस्ट मैं जो है ये फ़ोन अभी मार्केट से लेकर आया हूँ, और मैं आपको फ़ोन अभी ओपन करके दिखाऊंगा किस तरह का फ़ोन है। मैंने भी ओपन किया है लेकिन मैंने अभी पूरा फंक्शन नहीं देखा है कि किस तरह का फंक्शन है। ऐसे जो है फ़ोन बेहतर है, क्योंकि अभी ये जो नया लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ मैं इसका कुछ फीचर्स बता दूँ तो इसका जो है 50 मेगापिक्सल जो है बैक कैमरा है, और आपका जो है 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 5+2 2 एम्पियर जो है रियल कैमरा, मतलब कुछ ऐसे लेंस लगा हुआ है 50 जो है। यह देखिए, आपको मैं रियल फ़ोन दिखा दूँ आपको, तो ये रियल फ़ोन आपको ऐसे इस तरह से दिखेगा, यहाँ देखिए आपको दिखेगा रियल फ़ोन इस तरह से। यह फ़ोन जो है पीछे जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल है, और फ्रंट कैमरा भी जो है इसका ठीक ही है, और बैक कैमरा काफ़ी बेहतर है। तो मैंने इसको लिया है ताकि आपका जो क्लासेस हो रेगुलर ले पाऊँ, क्योंकि मेरे पास पहले से 2 फ़ोन थे लेकिन जो है डैमेज हो चुके थे दोनों के दोनों, जिसकी वजह से जो है कॉपरेट नहीं हो पा रहे थे क्लासेस। तो आज मैंने एक नया फ़ोन लिया, और एक सामने मैं जो जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो फ़ोन, और एक और फ़ोन है मेरे पास, 3 फ़ोन हो जाएंगे, जिसके बाद जो है आपके क्लासेस जो है रेगुलर हो पाएंगे। हर फ़ोन में जो है कुछ अलग अलग नोट्स जो होंगे टाइप होंगे, या अदर क्लासेस के जो होंगे बहुत सारे काम जो है होते हैं, जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं बन पाते हैं। तो अब जो है आपके क्लासेस रेगुलर होने के चांसेस है, टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसमें कोई गैजेट ख़राब हो जाए तो उसमें तो इसके जब तक सुधार नहीं हो पाए, जब तक जो है क्लास नहीं ले पाएंगे। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि मैंने जो है एक आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से जो है मैंने एक नया फ़ोन लिया है, और बस आप सभी लोग जो है इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे, मैं आपके लिए जो है बेहतर कार्य करते रहूँगा, और आगे भी जो है आपके जितने भी क्लासेस हैं वो सभी जो है लेते रहूँगा और जारी करते रहूँगा। मैं इसको प्रयास करता हूँ इसके खोलने का, कैमरा का खोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे भी न्यू फ़ोन है, मैं अभी इतना यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे मैं आपको दिखा दूँ, ये आप मेरा बैग देख सकते हैं, मैं अपने एक वीडियो को जो लाइव वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसी को मैं आपको दिखा दूँ ऑन करके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बेहतर कैमरा जो है आ रहे हैं। आप देखेंगे, मैं थोड़ा और आगे कर दूँ, तो ये बेहतर कैमरा जो है इसका फोकस है, और इसीलिए मैंने इस फ़ोन को हायर किया है, और सैमसंग का है तो बेहतर है। और इससे क्या होगा कि आपके जो क्लासेस है रेगुलर बेसिस पर चलते रहेंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसका स्टोरेज भी जो है काफ़ी बेहतर है, 128 GB है, जो कि काफ़ी हमारे लिए बेहतर है, इतना काफ़ी है। इसका बैक कैमरा भी देख ले, फ्रंट भी आप देखना चाहेंगे तो फ्रंट भी मैं आपको दिखा दूँ, फ्रंट भी कैमरा जो है बेहतर है, आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा जो है बेहतर है। ये मेरे सामने ट्राइपॉड और दिख रहे होंगे और माइक दिख रहे होंगे। तो बस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि आपके जो क्लास है, जो भी डाउट है, वो सारी जो है कुछ ही दिनों में जो है क्लियर हो जाएंगे, और बहुत जल्द जो है सारे क्लासेस का जो है शेड्यूल लगेंगे, और बहुत जल्द जो है सारे चीज़ जो है प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम से पहले, चाहे वो आपका DLED का एंट्रेंस एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर एग्जाम हो, सेकेंड ईयर हो, या थर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके जो है क्लासेस रेगुलर होने लगेंगे। लास्ट बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर कितना का फ़ोन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन जो है काफ़ी महंगा नहीं है लेकिन कुछ हद तक ठीक है, अप्रॉक्स जो है ये 20,000 रुपीज़ के है, 20,000 रुपये का फ़ोन है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।